जो चीज आप सारा चीज देख सकते हो ना, ये आप किसी भी कोई लल्लू मैकेनिक भी रहेगा ना, वो ये सारा चीज आपका चेंज करके आपका दे देगा। क्योंकि हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? तो आज के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो रहने वाला है फोर्ड फिगो के सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस को लेकर, और सर्विस कॉस्ट आपका कितना आता है। क्योंकि आप देख सकते हो मेरे पास फोर्ड फिगो 2011 मॉडल है, मेरे पास फोर्ड फिगो 2011 मॉडल का कार है, और इसको हमेशा मैं सर्विस सेंटर के बाहर ही लोकल में अपना सर्विस करवाता था। लेकिन कल मेरा क्या मन में आया, तो अपना सर्विस सेंटर में जाके इसका नॉर्मल जो सर्विसिंग होता है, ऑयल चेंज होता है, एयर फिल्टर हो गया, ये सारा चीज़ नॉर्मल जो आपका सर्विसिंग होता है वो करवाने में सर्विस सेंटर चला गया इसका ऑथोराइज सर्विस सेंटर में। तो भाई हमको तो लग रहा है बहुत ज़्यादा ही कॉस्टिंग आ चुका है भाई, 1000 से 1500 का मुझे नुकसान लग रहा है वहाँ पर जाके, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, आप इसको लोकल में भी करवा सकते। तो अभी मैं आपको सीधा सीधा जाके बिल दिखाता हूँ कि कितना मुझे बिल पड़ा है, क्या मैंने दिया है पैसा, क्या क्या मेरा चेंज हुआ है, और क्या क्या चीज़ मेरे कार में काम हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। तो दोस्त ये देखो मेरे हाथ में बिल है, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मेरे कार में चेंज हुआ, क्या क्या चीज़ लगा है। यहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ये देखो स्क्रू ड्रेन आप यहाँ पे देख सकते हो, फिल्टर वायल, गैस्केट, ड्रेन प्लग, फिल्टर एयर क्लीनर, ये एक लाइट मेरा पीछे का फ्यूज था, ब्रेक लाइट वो चेंज हुआ है। सब टोटल पार्ट को अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो 862 का मेरा पार्ट चेंज हुआ, मोबिल, मतलब यहाँ पे इसमें मोबिल इंक्लूडेड नहीं है, तो 862 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड बार में आता है वाइल से रिलेटेड, वाइल आपका 5W30 लगता है इसमें, इंजन वाले यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसका 18% पर टैक्स लगा है 247 रुपया, और 1624 रुपये का इसमें मोबिल लगा है, ठीक है। और लेबर इसमें देख यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, तो लेबर चार्ज जो आप देख सकते हो यहाँ पे 80,000 किलोमीटर का जो लेबर चार्ज होता है डीजल के इंजन का, वो इन लोग लिया है 2076 रुपया, मतलब 2076 रुपीज़ यहाँ पे लिया है भाई। ये लेबर चार्ज बहुत ही हमको लग रहा है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमको लग रहा है बहुत ज़्यादा ही लेबर चार्ज है, क्योंकि भाई 2000-3000 रुपये सिर्फ लेबर चार्ज देना भाई कहीं को वर्थ इट नहीं लगता, 1500-1600 रुपये ऐसा रहता पहले जैसा था उस टाइप, ठीक है। लेकिन जब से फोर्ड बंद हुआ भाई इसका लेबर चार्ज बढ़ा दिया है, और अब ये चीज़ देने में थोड़ा अखरता, क्योंकि सिर्फ नॉर्मल इसमें सर्विसिंग हुआ है, ऑयल चेंज हुआ है, और वैसा कुछ खोल फिटिंग वगैरह पार्ट चेंज नहीं हुआ। अगर वो चीज़ हो जाता भाई तो लेबर ही चार्ज 4000-5000 रुपया आ जाता। तो ये जो चीज़ आप सारा चीज़ देख सकते हो ना, ये आप किसी भी कोई लल्लू मैकेनिक भी रहेगा ना, वो ये सारा चीज़ आपका चेंज करके आपका दे देगा। क्योंकि इसमें कोई पार्ट चेंज नहीं होता है दोस्त, ना ही कोई पार्ट चेंज होता है, ना ही कुछ होता है, सिर्फ नीचे से ड्रेन खोलो, ऊपर से मोबिल डालो, फिल्टर का ढक्कन खोलो, ऑयल फिल्टर डाल दो, एयर फिल्टर डाल दो, यही नॉर्मल चीज़ इसमें सर्विसिंग हुआ भाई। उसमें 2076 रुपये देना थोड़ा सा खराब है। तो यही चीज़ आप लोकल में करवाओगे तो भाई आपको फ़ायदा मिलेगा, वहाँ पर आप आराम से 1000 रुपये से 1500 रुपये तक आप आराम से बचा सकते हो। तो भाई यही चीज़ है सर्विस सेंटर का कहानी, आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। और अगर एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो भाई, अब पहले जो फोर्ड का कहानी था ना कि हाँ पैम्पर किया जाता था अपने कस्टमर को, आइए चाय पूछा जाएगा, पानी पूछा जाएगा, कॉफ़ी पूछते रहता था हर आधा घंटे में घंटे में, इस बार भाई पानी तक हमसे नहीं पूछा, बस एसी केबिन दे दिया तो वहाँ पे बैठा हुआ तो नॉर्मल, और वैसा कुछ नहीं था। तो भाई अब सर्विसिंग का एक्सपीरियंस जो है फोर्ड का वो थोड़ा कम होते जा रहा है धीरे धीरे, जैसे इसका समय और बढ़ते जा रहा है। तो ये चीज़ था सर्विस सेंटर को लेकर। तो अगर आपका नॉर्मल कुछ सर्विसिंग, आपका कोई पार्ट वगैरह चेंज नहीं करवाना है दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूँगा अपना लोकल किसी भी मैकेनिक से जाके करवा लेना, आपका सस्ता में काम हो जाएगा और पैसा भी आप बचा सकते हो। हाँ कोई पार्ट वगैरह चेंज करवाना तो आप सर्विस सेंटर जा सकते हो। तो भाई ये था सारा कहानी, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आपसे मिलते किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, जय हिंद जय भारत।